की मौत मर रहे हो लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हो। खैर ये सारी बातें एक तरफ मैंने सुझाव दे दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ऐसी घटनाएं इसके बावजूद हो जाए तो क्या करना चाहिए। UNHRC दोस्तों ये ईमेल एड्रेस है इनका, यहां पर आप ऐसी घटनाओं की वीडियो अटैच करके ईमेल कर सकते हैं। हमें पता है कि मोदी सरकार मुसलमानों की नहीं सुनेगी, लेकिन याद रखिए जो आज जानकारी मैं दे रहा हूं इसके बाद से इनकी नींद हराम हो जाएगी। UNHRC हमारे मुसलमान जो है सॉल्यूशन नहीं जानते हैं, रास्ते उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जहालत ज्यादा है, वहां आतंक ज्यादा है, हमारे यहां जहालत ज्यादा है, सच्चाई है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन पर UNHRC का ह्यूमन राइट कमीशन का ईमेल एड्रेस है। आप इस पर कोई भी मुसलमानों के खिलाफ कांड होता है वीडियो को फोटो को अटैच कीजिए, पूरी स्टोरी और वारदात बताइए। इसी के साथ आपको बता दूं OIC की ये वेबसाइट है, इसका भी लिंक मैं आपको दे रहा हूं और बाकी आप ऊपर भी देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में जाके आप इसमें अटैचमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है घटना तो आप हमें वीडियो। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसकी वेबसाइट पर आप पूरी डिटेल और वारदात पूरे सबूत के साथ भेज सकते हैं। इसके अलावा आप आ रहे हैं बाप के पास, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी हाँ दोस्तों, इससे इजराइल भी थर थर कांपता है और अमेरिका भी बौखलाता है। इस पर भी आप मेल कर सकते हैं और डिटेल भेज सकते हैं। अगर भारत के 200 मुसलमान भी यह जिम्मेदारी उठा लें कि पूरे भारत में जहां जहां मुसलमानों के खिलाफ कांड हो रहा है हम ये डिटेल्स इन 3 जगह पर जरूर भेजेंगे, खुदा की कसम इंटरनेशनल प्रेशर बन जाएगा। और ये हिंदुत्व की मांग करके जो मुसलमानों का कत्लेआम करने का ख्वाब देख रहे हैं ना, बत्ती बना के अंदर चला जाएगा। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। कुछ कर नहीं सकते, ना तुमने कुछ जिंदगी में उखाड़ा होगा, तो कम से कम इतना जरूर करो कि इस वीडियो को शेयर करो, शायद मरा हुआ मुसलमान जाग जाए। मैं हूं रजा।